मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। फुल बादल हैं, लगते बारिश आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये है जी नेक्स्ट डे और मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि कुछ चीज़ें मैंने मैरिनेट करके रखी हैं, तो वो भी मैं आपसे आगे शेयर करूँगी कि वो क्या क्या मैं बना रही हूँ। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर मीठा बना रही हूँ, जो कि मेरे पास था ये शीर खुरमा मिक्स का पैक था मेरे पास। वैसे तो क्या होता है कि ईद पर ही शीर खुरमा बन रहा होता है, बाकी तो आई थिंक बहुत ही कम घरों में ऐसा होता है कि शीर खुरमा बन रहा हो। तो मैंने सोचा चलो आज डिफरेंट कर लेते हैं, इजी भी है और झटपट से भी बन जाएगा, तो मैं शीर खुरमा बना लेती हूँ। तो मैंने क्या किया कि 1.5 लीटर दूध को मैंने हल्का सा गर्म किया और उसमें ये सारा पैक मैंने डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मैं पकाऊंगी। इतना पकाऊंगी कि दूध हल्का हल्का सा ना येलो येलो सा हो जाए, तो इस तरह बड़ा मज़े का बन जाता है। इस तरह ये गर्म भी अच्छा लग रहा होता है और ठंडा भी अच्छा लग रहा होता है, तो ज़रा डिफरेंट सा भी हो जाएगा। दूसरी साइड से मैंने पतीली चढ़ा दी है पानी डाल के गर्म होने के लिए, क्योंकि मैं उसमें स्पैगेटीज बॉईल करूंगी। और यहाँ पे जी मैंने न्यू कटर मंगवाया था, तो वो भी टेस्ट हो रहा है और साथ में वेजिटेबल्स भी कट हो रही हैं चौमन के लिए। और देख लें जी, मैं कह रही थी ना कि बारिश होने वाली है, तो बस बारिश स्टार्ट हो गई थी और मौसम बहुत ही ठंडा और बड़ा प्यारा सा मौसम हो गया था। और यहाँ जी हमारा मीठा जो है वो बन चुका है और इसको मैं डिश में डाल के रख लूँगी। और अभी तैयारी कर रही हूँ जी मैं चौमन बनाने की, जिसके लिए मैं स्पैगेटीज को बॉईल कर रही हूँ। वैसे जो ओरिजिनल चौमन है, जो कि हम बाहर से खाते हैं, किसी भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट से खाते हैं, वो तो खुद ही नूडल्स बनाते हैं, उसका तो टेस्ट ही खैर बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है हम वो चीज़ या वो मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो स्पैगेटीज के साथ ही बनाए जाते हैं, जो मोटी वाली थोड़ी स्पैगेटीज होती है ना, उसके साथ बनाए जाते हैं। बारह जी उधर बॉयल हो रहे हैं और यहाँ पे मैं इसकी सॉस और वो जो वेजिटेबल्स वगैरह वो रेडी कर लूँगी। यहाँ पे जी मैंने डाल दिया ऑयल, ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि मुझे अभी इसमें चिकन फ्राई करना है। और जी यहाँ पे मैं एक बना रही हूँ सॉस, जिसमें 2 टेबलस्पून मैंने इसमें केचप डाला है, 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सराशा सॉस डाली है। सराशा सॉस काफ़ी ज़्यादा हॉट सॉस की तरह होती है, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ जी मैंने चिकन मैरिनेट करके रात से ही रखा हुआ था, तो इनके जो मैरिनेशन की जो इन्ग्रीडियंट्स हैं ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि वो मैंने अपनी जो प्रीवियस व्लॉग है उसमें मैंने ऐड किया था। मैं प्रीवियस व्लॉग का लिंक भी डाल दूंगी ताकि आप वो सारी मैरिनेशन देख सकें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें, सारा ही चिकन मतलब डाल दिया था और इसको मैं हल्का सा स्टर करूँगी, कुक करूँगी यहाँ तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, तो मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। चिकन को फ्राई करके ना मैंने एक्स्ट्रा ऑयल उसका निकाल लिया था, अब थोड़े से ऑयल में मैंने डाला है जी प्याज, ये चॉप हुआ हुआ था मेरे पास प्याज। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, डायरेक्ट आप लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, उसका हल्का सा कलर चेंज हुआ, तो मैंने इसमें जो अभी सॉस बनाई थी वो ऐड कर दी। अच्छा, सॉस में मैंने काली मिर्चें भी क्रश करके डाली हैं। इसके बाद जैसे ही सॉस कुक हुई तो मैंने इसमें सब्जियाँ ऐड कर दी हैं, इनका हल्का सा कच्चापन मैं दूर करूँगी, ज़्यादा मैं कुक नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इनका जो क्रंचीनेस होती है ना वो रखनी है, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। साथ ही मैंने चिकन जो फ्राई करके रखा हुआ था वो भी ऐड कर दिया और साथ ही मैं इसके मतलब मिर्च मसाला जो है ना ज़रा वो भी मैनेज कर लूँगी। काली मिर्चें थोड़ी सी मैंने और क्रश करके डाली हैं, थोड़ा सॉल्ट डाला है, साथ ही मैंने डाल दी स्पैगेटीज। अच्छा, आप अपने हिसाब से इसके स्पाइसेस एडजस्ट कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो मैंने उस हिसाब से ही अपने हिसाब से बनाया भाई। और ये हमारी रेडी हो गई है, तो बस इसको भी मैं अभी साइड पे कर लूँगी। और अभी बारी आती है जी मलाई टिक्का ग्रेवी की, जो कि इसकी भी मैरिनेशन मैंने कल करके रखी हुई थी, इसको मैंने अभी फ्रिज से निकाला है। तो पैन में डाला मैंने हल्का सा ऑयल, साथ ही मैंने ये मलाई बोटी जो है ये सारी ऐड कर दी और इसको अभी मैं कुक करूँगी यहाँ तक कि इसका पानी या इसका जो मॉइस्चर है, दही वगैरह जो मैंने ऐड की थी, वो हल्की सी ड्राई हो जाए और चिकन का कलर भी थोड़ा वाइट वाइट सा हो जाए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हुआ तो मैंने इसमें 1 कप दही अच्छी तरह फेंट के ना, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, वो मैंने ऐड कर दिए। और अब इसको हल्का सा चला के जैसे ही बॉयल आने लगेगा तो मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी यहाँ तक कि चिकन गल जाएगा।
कितनी अच्छी लग रही है। और ये देखें जी, दही के साथ चिकन अच्छी तरह से कुक हुआ है और इसका ऑयल ऊपर आ गया है, तो इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए भून लूँगी। और इसके बाद इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ मैंने अभी फ्रेश ही पीस के रखा है, वो मैंने ऐड कर दिया 1 चम्मच भर के, और इसको साथ ही साथ भूनती भी जाऊँगी। और फिर इसमें चले जाएगी ये 2 से 3 टेबल स्पून क्रीम, और इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी। वैसे दूध जाता है लेकिन बस मुझे ध्यान नहीं रहा तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। बहरहाल जी, अब इसमें मैंने लास्ट में डाल दी कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के मैंने इसको ढक दिया था, और इसके एंड में मैंने डाल दी सब्ज मिर्चें काट के। इसको हल्का से मैं दम पे रखूँगी ना, तो ये इसका जैसे हल्का हल्का सा होता है ना घी जब या ऑयल ऊपर आएगा, तो ये बस तैयार है। ये वाली डिश भी हमारी रेडी हो गई। और दूसरी साइड पर बिरयानी की तैयारी हो रही है, और इसमें डाल रही हूँ जी नमक पानी में। आज मौसम इतना कोई प्यारा हो रहा है और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उदास भी हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं जब इस मौसम में, मतलब जब गर्मी आ रही होती है और बारिशें होती हैं, तो मेरा दिल बड़ा उदास हो जाता है। ये मुझे लगता है ये बड़ी उदासी वाला मौसम है। बहरहाल अभी खाना ऑलमोस्ट तैयार है, सिर्फ बिरयानी बनानी है और टंगड़ी कबाब रह गए हैं। वो बड़ी मज़े की रेसिपी है, वो मैं अभी बनाऊँगी। बाकी सारी तैयारी हो चुकी है, कोई बहुत ज़्यादा डिशेज़ मैंने नहीं डाली, थोड़ी बहुत डिशेज़ हैं लेकिन अच्छी डिशेज़ हैं। और मेरी फ्रेंड आ रही हैं आज मेरे से मिलने, उन्हीं के लिए सारा ये कर रही हूँ। और सोनिया मुझसे अभी पूछ रही थी कि बाजी अगर चावल बॉईल करी थी तो कहती कि चावलों में अगर नमक डालना भूल जाए तो फिर उसकी भी कोई टिप होनी चाहिए। मैंने कहा उसकी टिप है जूतियाँ, वो जूतियाँ पड़ेंगी ना फिर हमेशा याद रहेगा नमक डाल। बन रही है जी चाय, ये देखिए बस चावल होने वाले हैं। और यहाँ पे अब मैं फ़ाइनल करने लगी हूँ। अच्छा, ये वाली जो डिश है ना, ये बिल्कुल आपने लास्ट में बनानी है, इसको पहले नहीं बना के रख लेना। अगर पहले बनाना हो तो आप इसको जस्ट फ्राई पैन में या कढ़ाई में डाल के उसको ड्राई करें दही को, और लेग्स गला के आप रख लें, क्योंकि इसका एक और स्टेप है जो कि मैं बिल्कुल लास्ट में करूँगी। यहाँ पे जी बिरयानी में लग रहा है दम, और आपको पता है कि बिरयानी सबकी फेवरेट होती है, तो इसलिए मैं अक्सर बिरयानी ही बना लेती हूँ। यहाँ पे जी लास्ट में मैंने अब दम लगाते हुए इसमें थोड़ा सा ब्राउन अनियन ऐड किया है, मिर्चें ऐड की हैं, और इसको दम पे लगा दूंगी क्योंकि जस्ट मेरे गेस्ट आने ही वाले हैं और मेरी बस एक ही फ्रेंड है जो कि आ रही हैं। एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, वैसे मुझे लगता है कि मैंने ये बहुत गंदी गंदी चीज़ें मंगाई हैं, मतलब जिला से कुछ और रहा होता है और निकलता कुछ और है। अब ये पता नहीं क्या है तो ये 700 में, साफ करने के लिए इसको ना यूँ फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करके ना आप पंखे को साफ कर सकते हैं इस तरह से, कि जैसे ये है ना मेरी सीलिंग वाली जगह, और ये पंखे साफ़ करने के लिए है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इसका प्रॉपर रिव्यू मैं बाद में दूंगी और इसका मैं लिंक भी दे दूंगी, क्योंकि अब रोज़े आ रहे हैं तो उसके लिए सफाइयाँ जो है मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी, फिर ही मैं बाकी के काम करूंगी। फ़िलहाल तो जी ये देखें, हमारी लेग्स जो हैं वो गल चुकी हैं, हमारी लेग्स नहीं मुर्गी के लेग्स जो हैं वो गल चुकी हैं, और यहाँ पर पानी अब मैं इसका बिल्कुल ड्राई कर लूँगी। और अभी लास्ट में मैं बनाने लगी हूँ जी दही बल्ले, जिसके लिए मैंने फुलकियाँ जो हैं वो पहले भिगो के रखी हुई थी, और मेरे पास थोड़ी सी बड़े साइज़ की फुलकियाँ हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जी एक तो घर का दही है और दूसरा मैंने पूरा एक नेस्ले का पैक भी इसमें डाल दिया है। अगर ये मिक्स करके हम लोग दही बल्ले बनाते हैं तो इतने मज़े के बनते हैं ना, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ,
स्पेशली जब दावत के लिए बनाऊं, क्योंकि फिर उसमें कोई शक शुबा नहीं रहता है, बड़े ही मज़े के परफेक्ट से दही बल्ले बनते हैं। तो ये देखें, मैंने फुलकियाँ जो है वो पहले ही भिगो के रखी हुई थी, और ऐसे मोटी मोटी हैं ना, ज़रा अच्छी लगती हैं। बस ये दही को मैंने फेंट के रखा हुआ है, दही में मैंने और कुछ भी नहीं डाला, हल्का सा पानी डाल के ना उसको थोड़ा सा मैंने थिन सा कर लिया था, उसका लिक्विड सा बना लिया था। तो बस मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, थोड़ी सी दही मैं एक्स्ट्रा भी साथ में रखती हूँ, ताकि अगर कम पड़ जाए थोड़ा सा दही तो फिर वो डाल ली जाए, क्योंकि ड्राई ड्राई से ना दही भल्ले मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, दही होनी चाहिए। इसके ऊपर जी बड़ा सिंपल काम है, प्याज डाल दो लच्छेदार, और थोड़े से मैं सैलेट लीव डाल दूँगी, थोड़े से टमाटर डाल दूँगी, और दही भल्ले तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ है कि आप जितना दिल करे इसको सजाएं, इसमें चीज़ें डालें, ये अच्छे ही लगते हैं। चने मेरे पास इस वक्त बॉयल्ड थे नहीं, तो मैंने वो ऐड नहीं किए, वरना वो तो बहुत ही ज़्यादा खैर अच्छे लगते हैं, और आलू भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने आलू भी नहीं डाले, मैं सिंपल बना रही हूँ, ये एज अ सैलेड भी हम लोग खा सकते हैं ना। ठीक है जी, बस मैंने ये चीज़ें डाल दी, थोड़ा सा मैंने ऊपर गरम मसाला डाल दिया है, सॉरी ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्ची, और दही भल्ले हमारे रेडी हो गए। यहाँ पे जी अब जो लेग्स हैं चिकन लेग्स, उनको मैं बारबेक्यू कर दूँगी। इस तरह से मैंने एक स्टैंड रख दिया है चूल्हे पर, और इसको हल्का सा मैं प्यारा सा कलर दे दूँगी। ये इतने मज़े के लगते हैं ना, एक तो ये प्रेजेंटेबल बड़ी लगती हैं ये लेग्स, और खाने में भी बड़ी ये सॉफ्ट हैं, क्योंकि हमने इनको पहले ही गला लिया था। तो ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है जो कि हम दावतों में रखते हैं टेबल पे, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के। बस इनको उल्टा सीधा करके मैं इनको कलर दे दूँगी। अच्छा, लेग्स को ना मैंने हल्का सा कलर देके दोबारा से इसको अच्छी तरह से गरम किया है फ्राई पैन में डाल के, क्योंकि फ्राई पैन में हल्की सी ग्रेवी थी, तो मैंने सोचा ग्रेवी इसके साथ, लेग्स के साथ मसाला जो है वो चिपक जाए और ग्रेवी सारी इसके साथ लग जाए। बस इसको अब मैं डिश आउट कर दूंगी, और साथ में इसके सैलेड लीव थोड़े से रख दिए हैं। डेकोरेशन तो आप जैसे चाहें कर लें, मैंने तो बस सिंपल वाली डेकोरेशन की है, थोड़ा सा मैंने धनिया ऊपर से डाल दिया है, वो बड़ा अच्छा लग रहा था। और जी बस सारी चीज़ें रेडी हैं, अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर ज़रूर करना है।